के मुताबिक हुकूमत पंजाब की तरफ से लॉकडाउन अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शिराजी और टीपी और मोहम्मद अली वसीम ने अचानक शहर का दौरा किया और शहर के बड़े बाजारों और मार्केट्स में लॉकडाउन का जायजा लिया। उन्होंने अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों को वार्निंग देते हुए अपनी निगरानी में दुकानें बंद करा दी। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि जिले इंतजाम में किसी का हुकूमत पंजाब के अहकाम पर की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देगी। ताजा हजरात अहकाम पर अमल दरामद में जिले इंतजामिया से तआवुन करें। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि जिले पुलिस की हुकूमती अहकाम पर अमल कराने की पाबंद है जिसमें कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की। उन्होंने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। बाद हजार डिप्टी कमिश्नर डीपीओ मियां ने मियां चन्नू का भी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर रसीन ईशान अतीम ने उन्हें लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के हवाले से तहसील इंतजामिया के इकदाम बारे आगाह किया।